आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा रहा होगा कि मैंने सीड पर बनाए थे टाइप्स, सीड के टाइप्स में बनाया थे, स्ट्रक्चर ऑफ सीड में बनाया था, फ्रूट डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने बात किया था कि कितने प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, इम्पोर्टेंस बताया था मैंने, इम्पोर्टेंस सीड इम्पोर्टेंस बताया था, फ्रूट्स के इम्पोर्टेंस मैंने बताया था। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ ये उसी पर बेस्ड है। सवाल कभी कभी ये उठता है कि कौन कौन सी मेथड होनी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए इन प्लांट्स में, तो उसी मैटर को लेकर मैं फिर से आया हूँ। इससे संबंधित सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है, जैसे पूछ देते हैं व्हाट इज एपोगेमी, एपोगेमी क्या है, अपयुग्मन किसे कहते हैं, या पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं, डिप्लोस्पोरी किसे कहते हैं, अपोस्पोरी किसे कहते हैं, एटसेट्रा, पार्थेनोकार्पी, व्हाट डू मीन बाई पार्थेनोकार्पी, आप अनिषेक फलन से आप क्या समझते हैं। ऐसे कुछ सवाल है जो छोटे छोटे पॉइंट के रूप में पूछा जा सकता है और यही छोटे सवाल हमको स्कोर कराता है, स्कोर कराने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। तो मैं उसी से रिलेटेड ये टॉपिक लिया हूँ, स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये सभी प्रकार के बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी को कवर करता है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो विशिष्ट विधि की अगर मैं बात करूँ, प्रजनन की विशिष्ट विधियों की, तो आपने तो पहले ही विधि पढ़ चुके हैं, वेजिटेटिव विधि जिसको कहते हैं वर्धी प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हुए हैं आपने, अलैंगिक प्रजनन पढ़े हुए हैं, एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में काफ़ी विस्तार से आपको मैंने बताया है। अगर पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप जरूर देखें ताकि ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें कुछ विशिष्ट विधियों के द्वारा अपनी जो नंबर्स, अपनी संख्या है उसको उसमें ग्रो करता है, उसमें डेवलपमेंट करता है, वृद्धि करता है और प्रजनन करते हैं, या प्रजनन करते हैं कह सकते हैं। मतलब उन अलग विधियों को जो वर्धि, अलैंगिक और लैंगिक, अर्थात वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल से अलग है, वहाँ से मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ आपको। तो उसमें कुछ टॉपिक्स मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट इसमें मैं ले रहा हूँ एपोमिक्सिस। ये जो एपोमिक्सिस होता है ये ग्रीक वर्ड से निर्मित है जिसमें एपो का मतलब होता है विदाउट, क्या होता है विदाउट, एंड देन मिक्सिस का मतलब तो आप सब समझ गए होंगे, ठीक है, मैरिज हो गया। यहाँ पर मिक्सिस का मतलब मैरिज और मीटिंग ऐसा कह सकते हैं आप लोग। अर्थात एपोमिक्सिस में क्या होता है, प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के एक भ्रूण का निर्माण हो, क्लियर है। इस टॉपिक से आप समझ रहे होंगे कि बिना निषेचन से एक भ्रूण का निर्माण होता है, इसको हिंदी में कहते हैं असंगजनन, असंगजनन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं असंगजनन कहते हैं। देखिए मैं जो कंटेंट आपको बता रहा हूँ ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए काफ़ी कारगर है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। मुझे इंग्लिश में लिखने में आसानी होती है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, जहाँ पर हिंदी लगता है हिंदी में लिख देता हूँ, तो आप इसको ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे कि मैं हिंदी बता रहा हूँ कि इंग्लिश बता रहा हूँ, लेकिन है दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों यहाँ से आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो एपोमिक्सिस असंजनन ग्रीक वर्ड से निर्मित होता है, अर्थात विदाउट फर्टिलाइजेशन के इसमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है एम्ब्रियो का निर्माण होता है, याद रखिए विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका निर्माण होता है एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस या असंजनन कहते हैं, क्लियर है, ठीक है। इसके ये कुछ प्रकार हो सकते हैं, कुछ टाइप्स हो सकते हैं, वो टाइप्स देखेंगे अभी आप, ठीक है। एक टाइप्स आता है जिसको हम लोग कहते हैं एपोगैमी, क्या बोलते हैं इसको एपोगैमी, एपोगैमी को हिंदी में कहते हैं अपयुग्मन, अपयुग्मन, अपयुग्मन एपोगैमी, अर्थात ये प्रजनन की वह विशिष्ट विधि है जिसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, भ्रूण का जो विकास है, वो एंडोस्पर्म अंडकोश को छोड़कर जो गैमेटोफाइट की और अदर सेल्स होती है उससे होती है। मतलब इसमें जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो किससे होगी, अंडकोश से ना होकर गैमेटोफाइट की किसी सेल से होगी, मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पर गैमेटोफाइट,
गैमेटोफाइट से इसका निर्माण होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से उत्पन्न जो एम्ब्रियो होता है वो स्पोरोफाइट के रूप में वृद्धि करता है, ठीक है। इससे उत्पन्न हुआ जो एम्ब्रियो रहता है ये स्पोरोफाइट के रूप में डेवलप करता है। किस रूप में वृद्धि करता है? स्पोरोफाइट के रूप में ये वृद्धि करता है। सेकेंड टॉपिक इसमें आता है, सेकेंड पॉइंट इसमें बनता है एडवेंट्यू एम्ब्रायोनी अर्थात अपस्थानिक भ्रूणता। एडवेंट्यू एम्ब्रायोनी, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता, क्लियर है, अपस्थानिक भ्रूणता। इसमें कई बार ऐसे मिलते हैं हमको, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एम्ब्रियो सीधे न्यूसेलस या इंट्यूगमेंट की कोशिकाओं से उत्पन्न हो जाता है। मतलब इसमें जो एम्ब्रियो है किससे निर्मित होता है? न्यूसेलस है, सेकेंडरी न्यूसेलस आपने पढ़ा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो बीच में सेंटर में केंद्रक पाई जाती है, ठीक है, उससे न्यूसेलस से या और इंट्यूगमेंट से निर्मित होता है अध्यावरण। दो प्रकार के अध्यावरण पढ़े थे आपने, आउटर एंड इनर इंट्यूगमेंट, ठीक है, से हो जाता है, ठीक है। तब इस अवस्था को हम लोग कहते हैं एडवेंट्यू एम्ब्रायोनी अर्थात अपस्थानी भ्रूणता, एडवेंट्यू एम्ब्रायोनी बोलते हैं इसको, एडवेंट्यू एम्ब्रायोनी अर्थात अपस्थानिक भ्रूणता इंट्यूगमेंट या न्यूक्लियस से बनने की वजह से, ठीक है। अगर एग्जांपल में मैं जाऊँ तो एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, सबके एग्जांपल मैं अलग अलग बताऊँगा नेक्स्ट में। अगर आपने देखे होंगे नींबू वंश देखे होंगे, लेमन वगैरह देखे होंगे, मैंगो वगैरह देखे होंगे, तो इन सब में लेमन नींबू का एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, याद रखेंगे। अगर एग्जाम में आता है तो इसमें आप लोग लिखेंगे लेमन लिख सकते हैं, स्पेशली लेमन इसके लिए, मैंगो भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ मैं, ये जो थर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए, कई बार पूछा गया है पेपर में, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं इसको। आप पुराना पेपर, क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लेना, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं अनिषेक जनन, क्या बोलते हैं इसको? अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है, अनिषेक जनन कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस ये भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, पार्थिनो मीन्स होता है वर्जिन और जेनेसिस मीन्स होता है डिस्टेंट, ठीक है। मतलब ये भी दो ग्रीक वर्डों से निर्मित है, कौन कौन सा? पार्थिनो मीन्स होता है वर्जिन, ठीक है, और जेनेसिस मीन्स तो जानते हैं डिस्टेंट, ठीक है, दो ग्रीक वर्ड है। वर्जिन, वर्जिन से आप समझ गए होंगे कि यह वह स्पष्ट या क्लियर मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें ओवम या अंड सेल अंडाणु या जो फीमेल गैमेट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो या न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या? फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट और ओवम, ओवम कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है, भ्रूण में विकसित हो जाता है या नई न्यू प्लांट में विकसित हो जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के दौरान हम ये पाते हैं कि जो पार्थेनोजेनेसिस होता है इसके लिए पॉलिनेशन होना अनिवार्य है, ठीक है, इसके लिए पॉलिनेशन का होना बहुत अनिवार्य है। ये स्टिमुलेटर के समान काम करता है जो पॉलिनेशन होता है वो, इसमें एग्जांपल मिलेगा यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा, ठीक है, और सोलेनेसी कुल के और बहुत सारे फैमिली, सोलेनेसी फैमिली के बहुत सारे प्लांट इसमें आएंगे। कंपोजिटी भी इसमें आते हैं, कंपोजिटी, ठीक है, कंपोजिटी कुल के भी कुछ प्लांट की स्पीसीज इसमें आती है, इस विधि के द्वारा प्रजनन देखा गया है, ठीक है। इसमें जो नए पौधे बनते हैं वो हमेशा स्मॉल होंगे और स्टरलाइट प्रकृति के होते हैं, बिना निषेचन के बना हुआ है, तो अंडाशय जो होता है वो सामान्य फल के रूप में विकसित हो जाता है। कभी कभी जो फल का निर्माण है इस प्रक्रिया के द्वारा, पार्थिनोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा, यह कहलाता है पार्थिनोकार्पी कहलाता है, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस मतलब हो गया
अनिषेक जनन बिना निषेचन के मादा अंग जो होता है वो भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया कि इस प्रक्रिया के द्वारा फल का निर्माण होना पार्थेनोकार्पी कहलाता है, ठीक है। मतलब इसी से मैं तीसरा जो इसमें तीसरे नंबर में बताने जा रहा था, मैं यहीं से बता देता हूँ। इस प्रक्रिया के द्वारा फ्रूट फॉर्मेशन जो होता है इस प्रक्रिया का नाम है पार्थेनोकार्पी की, ये भी पूछा गया है। पार्थेनोकार्पी क्लियर है। ये जो पार्थेनोकार्पी होता है ये भी ग्रीक वर्ड होता है, पार्थिनोस मीन्स होता है वर्जिन, कार्पोस मीन्स होता है फ्रूट, अर्थात बिना निषेचन के फल का निर्माण पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन कहलाता है। ये हो गया अनिषेक फलन, ये हो गया अनिषेक जनन। अनिषेक जनन से बने हुए फल को अनिषेक फलन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल काफ़ी सारे मिलते हैं, एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। इसमें आएगा वो एप्पल वगैरह आते हैं, एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है, नाशपाती है, पपाया है, गुआवा है, एट्सेट्रा, बहुत सारे मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी जो होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं, इसके प्रकार मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको। फर्स्ट टाइप्स में इसमें मैं बता रहा हूँ जेनेटिक पार्थेनोकार्पी, ठीक है। और सेकेंड इसमें होता है एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी, एंड देन थर्ड लास्ट होता है केमिकली इंड्यूस्ड, रासायनिक रूप से प्रेरित, ऐसा बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। तो 3 प्रकार के होते हैं पार्थेनोकार्पी। आनुवंशिक अनिषेक फलन, इसमें म्यूटेशन के द्वारा या पादप प्रसंस्करण विधि मतलब प्रजनन विधि के द्वारा जीन संगठन में बदलाव होता है। इसमें क्या होता है, जेनेटिक चेंजेस होता है, बदलाव होता है, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो इसमें केला वगैरह आएगा, बनाना वगैरह आएगा, ऑरेंज वगैरह आएगा, ग्रेप्स, एप्पल, नाशपाती की कुछ प्रजातियां आएंगी इसमें, ठीक है। इन्वायरमेंटल की अगर हम लोग बात करते हैं, पर्यावरणीय अनिषेक फलन की बात करते हैं, तो सभी एटमोस्फेरिक प्रेशर कजेस के कारण या इन्वायरमेंटल कारक के कारण होगा, इन्वायरमेंटल कारक, ठीक है, फैक्टर कह सकते हैं इसको, इन्वायरमेंटल कारक की वजह से उसमें बदलाव आता है, जैसे कम तापमान हो गया, उस अधिक तापमान हो गया तब, तो नाशपाती और टमाटर जैतून इसका एग्जांपल मिलेगा, ठीक है। थर्ड है केमिकली इंड्यूस्ड, मतलब रासायनिक रूप से हम लोग जो स्टिमुलेट करके बनाते हैं, जो उत्पादन करते हैं, ठीक है। इसमें प्लांट हार्मोन का उपयोग करते हैं हम लोग, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, पादप हार्मोन, जैसे ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, इसका छिड़काव करके उसको स्टिमुलेट करते हैं। जो लेमन वगैरह, टमाटर वगैरह है, स्ट्रॉबेरी है, उसमें ये ज़्यादा कारगर है केमिकली इंड्यूस। तो आप समझ गए होंगे पार्थेनोकार्पी के 3 प्रकार है, मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है। एपोमिक्सिस के बाद में आता है, वैसे तीसरा नंबर के पॉइंट में मैंने बताना था लेकिन ये आ गया, इसलिए यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। और इसी में थर्ड सी के बाद में आता है डी, नेक्स्ट आता है, इसको बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। क्या बोलते हैं, डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी मीन्स होता है द्विगुणित बीजाणुता, इसको बोलते हैं द्विगुणित बीजाणुता। नाम थोड़ा सा अटपटा लगता है, इंग्लिश नेम ज़्यादा सिंपल लगता है इसमें, ऐसा है। तो ये जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है, इसमें एम्ब्रियोसाइक है जो डिप्लॉयड होता है, वो मेगास्पोर मदर सेल से बिना मियोसिस डिवीजन के भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। मतलब इसमें जो क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल जो होगा ये बिना विदाउट मियोसिस डिवीजन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, क्लियर है। तो ये कहलाता है द्विगुणित बीजाणुकता कहलाता है। एरिबा टोमेंटोसा में इस प्रकार का प्रजनन होता है। नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है एपोस्पोरी। जैसे डिप्लोस्पोरी है ना, वैसे एपोस्पोरी, नाम से स्पष्ट है। इसमें डिप्लोस्पोरी था, द्विगुणित बीजाणुता, तो इसमें क्या आएगा, एपोस्पोरी में
एपोस्पोरी। एपोस्पोरी जो होता है ये अप बीजाणुता कहलाता है। क्या कहलाता है? अप बीजाणुता। ठीक है, अब बीजाणुता कहलाता है। इसमें जो सेकेंडरी न्यू सेलस होता है या कोई अदर सेल से डिप्लॉयड भ्रूणकोश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, इसे अप बीजाणुता कहते हैं। कहाँ कहाँ से? या सेकेंडरी न्यू सेलस से और अदर डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक से, भ्रूणपोष से इसका निर्माण हो जाता है। तो अब बीजाणुता या एपोस्पोरी कहलाता है। ये जो होता है ये मैंगो में होता है, आम में अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस असंजनन, असंजनन के इतने सारे प्रकार आपने पढ़ा। अब दूसरा आता है जो पेपर में पूछा गया है, पॉली एम्ब्रॉयनी। पॉली एम्ब्रॉयनी मतलब इसको बोलते हैं बहुभ्रूणता। क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। ये जो बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रॉयनी जो होता है, ये भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पॉली मीन्स होता है मेनी, आप समझते होंगे। एम्ब्रॉयनी मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण की उपस्थिति में मतलब अधिक से अधिक भ्रूण बनाना, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा भ्रूण पैदा कर लेना। जब एक सीड में, ठीक है, सिंगल सीड में, इन सिंगल सीड कई भ्रूण पैदा हो जाए, विकसित हो जाए, डेवलप्ड हो जाती है, विकसित हो जाती है, ठीक है, तब इस स्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाए तो इस स्थिति को, इस प्रकार की प्रजनन की दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। नींबू जो लेमन वर्ग है, साइट्रस स्पीसीज है, उसमें इसी प्रकार का कंडीशन देखने को मिलता है। इनके बीजान में जो स्त्री धानियां पाई जाती है, जैसे उसमें ये कंडीशन में, इस कंडीशन में आपको बहुभ्रूणता दिखाई देगी। निकोटियोना में जो पॉली एम्ब्रॉयनी जो होता है वो आउटर टिगुमेन के बडिंग के कारण पैदा होता है, ठीक है। गेहूं में, धान में भी बहुभ्रूणता पाई जाती है, गेहूं धान में बहुभ्रूणता पाई जाती है। इसके एग्जांपल में राइस वीट आप लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब बीजांड एक से अधिक अंड एग सेल या एम्ब्रियो सेक या एंडोस्पर्म बना ले, तब सभी अंड निश्चित हो जाए या जायगोट डिवाइड हो जाए तो बहुभ्रूणता की स्थिति पैदा होती है। सवाल कर सकते हैं आप कि ये स्थिति क्यों होती है, तो उसका आंसर ये है, बहुभ्रूणता का कारण ये है कि एक से अधिक एग सेल या एम्ब्रियो सैक भ्रूणपोष बन गए हैं उसके शरीर में, ठीक है, और सभी के सभी फर्टिलाइज्ड हो जाए, निश्चित हो जाए, निश्चित होकर जायगोट जो होता है उसका डिवीजन हो जाए, तब उस स्थिति में बहुभ्रूणता उत्पन्न होगी। क्लियर है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है, पार्थेनोकार्पी का इंपॉर्टेंस पूछ देते हैं कभी कभी, तो आपको पता है होना चाहिए कि बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए, बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि खाने में हमको अच्छा लगे, समय बच जाए, है ना, जानते हैं ना आप लोग। जहाँ पर ग्रीन हाउस, जहाँ पर परपरागण करने वाले प्राकृतिक माध्यम उपलब्ध नहीं होते हैं, उन जगहों में इस प्रकार के फल को, इसी भी मतलब फल को पार्थेनोकार्पी की विधि के द्वारा ही उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब और नेक्स्ट कंटेंट में आपको कहीं कहीं पर मिलेगा, जैसे डिस्पर्शल ऑफ सीड एंड इट्स सिग्निफिकेशन, अगर आपको मिलता है बीजों का प्रकीर्णन, तो मैं बता देता हूँ बीजों में जो डिस्पर्शन होता है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, ये एग्जाम में हो सके कहीं पर मिल जाए आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। डिस्पर्शल, डिस्पर्शल ऑफ सीड, बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन कितने प्रकार का होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, एक जगह बनता है, असंख्य बीज उत्पादित करता है, चारों तरफ फैल जाता है। तंबाकू एक ऐसा पौधा है जो लगभग 360,000 प्रकार के बीज पैदा करते हैं। कई बीज तो ऐसे होते हैं जो लाखों साल के बाद भी प्रजनन नए पौधा देने की क्षमता रखता है, ठीक है। कुछ बीज ऐसा होते हैं हजारों साल के बाद भी वो बीज नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो बीज का एक जगह से दूसरे जगह पर जाना ये प्रकीर्णन कहलाएगा, ठीक है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि फल और बीज को दूसरे स्थिति तक पहुंचाना, दूसरे जगह तक पहुंचाना, ये विकिरण, ये प्रकीर्णन कहलाता है, फैलाव कहलाता है,
फैलाव को ही कैसे फैलाएंगे उसकी विधि ही ये कहलाएगी, प्रकीर्णन कहलाएगी। क्लियर है? और फैलाने वाले कई रिएजेंट कारक के रूप में उपस्थित रहता है, तो उसी कारक की मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक होता है, इसमें होता है विंड डिस्पर्शन, होता है डिस्पर्शल होता है वायु के द्वारा, वायु के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा होगा। वायु के द्वारा जिसमें होगा वो हल्के होंगे, पंख दार, उसमें फल और बीज होगा, ठीक है। पैराशूट की भांति उसमें प्रक्रिया होंगी, पैराशूट की भांति उसमें संरचना बनेगा, या बैलून शेप्ड होगा, इन सब में विंड डिस्पर्शल होती है, ठीक है। मैंने बता दिया ना पूरा। दूसरा, तीसरा, दूसरा आता है इसमें एनिमल डिस्पर्शल, एनिमल डिस्पर्शल। ये जो विंड डिस्पर्शल है इसको हम लोग बोलते हैं एनिमो, इसको लिख देता हूँ मैं, एनिमोकोरी, और इसको बोलते हैं हम लोग जूकोरी, सॉरी जूकोरी, मतलब जंतुओं के द्वारा डिस्पर्शन। जंतुओं के द्वारा अगर डिस्पर्शन इसमें होना है, फैलाव अगर होना है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के अंग बनने चाहिए, जैसे जंतु में चिपकने वाला हुक वगैरह, कांटे वगैरह, चिपकने वाले ग्रंथि, स्टिकी ग्लैंड्स होने चाहिए, ठीक है। फ्रूट जो होता है अट्रैक्टिव होना चाहिए, खाद्य पदार्थ वाले फल होना चाहिए इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसमें आता है वाटर डिस्पर्सल, वाटर डिस्पर्सल आर, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकोरी, हाइड्रोकोरी। ये लगभग पोलिनेशन से मिलता जुलता है ना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। जल प्रकीर्णन जो होगा जल में रहने वाले एनिमल्स के द्वारा होगा। नारियल में भी इसी प्रकार, नारियल की जो फल भित्ति होता है वो रेशेदार और हल्का होता है, फल और बीज का छोटा और हल्का होना और पानी में आसानी से तैर सके, ठीक है। तो उस प्रकार की बनावट इसमें होती है। लोटस वगैरह में आपने देखे होंगे, लोटस में देखिए ना आप लोग, इस प्रकार के परागण, सॉरी इस प्रकार की व्यवस्था डिस्पर्सल आपको दिखेगी, पानी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। और एक होता है लास्ट जो नेचुरल होता है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव डिस्पर्सल आर ऑटोकोरी, ऑटोकोरी। ये जो ऑटोकोरी होता है ये तेजी से, जब पूरी परागकण पूरी तरह से फट जाता है, सॉरी पक जाता है, उसके बाद में फटता है तेजी से, फटता है तेजी से मतलब विस्फोट के साथ फटता है, जिसके कारण दूर तक बीज छिटकते हैं, दूर तक फैल जाता है, ठीक है। एक आवाज के साथ फटता है और दूर तक छिटकते हैं, तो इस अवस्था में इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजिव डिस्पर्सल आर ऑटोकोरी बोलते हैं। क्लियर है? इसमें बहुत सारे प्लांट मिलेंगे आपको एग्जाम्पल के रूप में, जैसे खीरा वगैरह तो आप देखे ही होंगे, ठीक है ना। ऐसी उथोबियम में भी मिलता है, इसी प्रकार का वर्णन मिलता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे अगर आप लोग ढूंढते हैं तो, ठीक है। तो आपको आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या क्या होते हैं, कई महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया है, जैसे एपोमिक्सिस बताया, असंगजनन बताया, एपोगैमी मैंने बताया है आपको, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी बताया, एंड देन पॉली एम्ब्रियोनी बताया। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से बेहतर तरीके से इसको तैयार कर लीजिए, बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहीं पर वीडियो आज का क्लोज करता हूँ, आगे फिर से मिलेंगे किसी दिन नए वीडियो में। बाय।